जिस शहर में कत्ल खाने होते हैं उसके करीबन 1 किलोमीटर का दायरा चारों तरफ जो है वो विनाश में चला जाता है, वहां की तरक्की रुक जाती है, वहां के भाव गिर जाते हैं, वहां की सब चीजें विनाश की ओर जाते हैं। मैं कत्ल खाने की बात करता हूं, अब विशेष तौर पे सबसे पत्रकार बंधु भी है, ये बात खाने और नहीं खाने की नहीं है, बात इसकी है कि आज भी इस महाराष्ट्र के कई बड़े बड़े कॉरपोरेशन के अंदर कत्ल खाने नहीं है। हमारा मीरा भाईंदर तो छोटा है, डी क्लास का कॉरपोरेशन है, इसके अंदर 6-6 एकड़ का रिजर्वेशन, आपको ट्रक भर भर के कहां ले जाना है, क्या इसे एक्सपोर्ट करना है या दूसरी नगर पालिका को पहुंचाना है। और जिस शहर में कत्ल खाने होते हैं उसके करीबन 1 किलोमीटर का दायरा चारों तरफ जो है वो विनाश में चला जाता है, वहां की तरक्की रुक जाती है, वहां के भाव गिर जाते हैं, वहां की सब चीजें विनाश की ओर जाते हैं। हाल ही में एक ने कहा, नेता ने, कि हमें उत्तन में नहीं चाहिए, फिर दूसरे ने कहा हमें नवगढ़ में नहीं चाहिए। तो ये सबको अपने अपने घर की चिंता है, जो उत्तन में रहता है उसे कहता है उत्तन में नहीं चाहिए, नवगढ़ में रहता है वो कहता है नवगढ़ में चाहिए, तो सब अपना अपना घर देख रहे। और हम कहते हैं पूरा मीरा भाईंदर ही हमारा घर है, इसलिए मीरा भाईंदर में हमें नहीं चाहिए। गुरुदेव भी हमारा है, नवगढ़ भी हमारा है, उत्तन भी हमारा है, हर उस व्यक्ति के लिए हम लड़ना चाहते हैं, क्योंकि जहां कत्ल खाना आएगा वहां गंदगी और बदबू। मैं कई बार जाता हूँ रास्ते से, मुर्गी की गाड़ी खड़ी होती है उसके पास से गुजर जाओ तो कम से कम 200 मीटर तक उसकी बदबू आती है, और जब ये कत्ल खाना आएगा तो इस शहर में क्या होगा। मैंने फिर कहा इसे व्यक्तिगत ना जोड़े, खाने नहीं खाने से नहीं जोड़े, ये बात है कि शहर में इसकी आवश्यकता नहीं है। और अगर है आप में से किसी को लगता है या शहरवासी को लगता हो तो बताओ किसके घर के पास चाहिए, किसको चाहिए अपने बिल्डिंग के पास, किसको चाहिए अपने घर के पास। इसलिए इस विषय को भी हमें लाना होगा, ये क्यों निकाला गया है, किसके कहने पे लाया गया है इस तरह का।